और रेसलर से कांग्रेस नेता बनी विनेश फोगाट अब चुनावी मैदान में उतर गई हैं। जुलाना से कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें इजाजत देगी तो वो विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करने हरियाणा जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहलवानों के साथ मिलकर साजिश रची थी और विनेश बजरंग बेटियों के सम्मान के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे थे। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है, हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अच्छा, इन परिस्थितियों के बीच यदि आपको पार्टी ने वहां से टिकट दिया हरियाणा से, क्या ये सब समय निकल चुका है, अब तो हम मुकदमा लड़ रहे हैं। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर ये आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर, उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई, षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ,